हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ सारी वीडियो से कुछ अलग ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम लोग को सबको पता है कि 9th से ही हम लोग इस पे काम करने लग जाते हैं। 9th, 10th, 11th, 12th सब में ही काम आती है। इसके बाद अब हम लोग जो SSC की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी एक पूरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उस पूरे में ये काम आएगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसके लिए आपको ये वैल्यूज सारी याद होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनकी जो वैल्यूज होती हैं उनको रटने लग जाते हैं कि साइन जीरो क्या होगा, मतलब इस पूरी टेबल को रटते हैं। इसी के एग्जाम्स में हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 1 आवर होता है जिसमें हम लोग को पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। अब वहां पे आप लोगों को टाइम मिलेगा, मान लो आप बनाने लग जाओगे, शुरू में टेबल बनाओगे, अब पूरी टेबल बनाओगे, उसके बाद आप देखोगे कि भाई कौन सी वैल्यू मैच कर रही है तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं क्वेश्चन में। इससे अच्छा है कि आप इसको किसी ट्रिक से या फिर कुछ ऐसे याद करो कि आपको पूरी टेबल वहां पे ना बनानी पड़े। और कुछ आज हम ऐसा ही करेंगे जिससे कि हम लोग को वहां पे टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग को कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी है और उससे ही ये पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पे मैंने टेबल बना के रखी है, इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये साइन की सारी वैल्यूज और कॉस की सारी वैल्यूज आपको लर्न करनी है बस। इसके अलावा इनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, इनको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इजीली हम लोग याद कर सकते हैं। तो मैं इनको सिंपली ऐसे ही पुट कर रही हूं, बाकी की चारों में, इन चारों में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं और कैसे हमें पेपर में ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी वैल्यूज मैं ऐसे ही पुट कर रही हूं। साइन जीरो होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 क्या होता है 3/√2, साइन 90 क्या होता है 1। ये तो छोटी छोटी सी वैल्यूज हैं, हम लोग याद किसको कर सकते हैं। अब जस्ट इसका अपोजिट यहां पे हो जाएगा, कॉस 0 क्या होगा 1, कॉस 30 क्या होगा 3/√2, कॉस 45 1/√2, दोनों सेम है, साइन 45 भी और कॉस 45 दोनों ही 1/√2 है, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। जब आपको ये दो चीजें याद रहेंगी, ठीक है, इन सब की आपको वैल्यूज याद रहेंगी, तो आपको क्या करना है, आप जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया है एग्जाम में 10√0 क्या होता है, तो हम लोग अब 10√0 के लिए टेबल थोड़ी ना बनाने बैठेंगे, और टेबल ये याद होती नहीं है, किसी को हो भी जाएगी तो थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। तो अब 10√0 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, साइन अपॉन कॉस को जैसे कि हम बोलते हैं 10, ठीक है, कॉस अपॉन साइन को हम क्या बोलते हैं कॉट, कॉस हमें निकालना है तो हम लोग 1/sec करते हैं। अब कॉस सेक के लिए क्या होता है 1/sin करना पड़ता है, sec हो जाता है हमारा 1/cos, ठीक है, sec हमारा क्या होता है 1/cos। तो हम लोग सिर्फ इन्हें यूज करके इस टेबल को याद करना सीखते हैं। अब देखिए मैं इसी से आपको बताऊंगी कैसे ये टेबल आपको याद रखनी है। अभी हमें क्या चाहिए, 10√0 चाहिए ना, 10√0 के लिए अब हमें 10 के लिए क्या करना होता है, साइन अपॉन कॉस, तो हम 0 की वैल्यूज देखेंगे सिर्फ, साइन और कॉस की सिर्फ 0 की वैल्यूज, क्योंकि हमें अभी 10√0 बताना है। तो हम साइन और कॉस की 0 की वैल्यूज देखेंगे, क्या है ये 0/1 कर देंगे, 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो इसको क्या कर देंगे साइन 0 और कॉस 0 1, इसको सॉल्व करके क्या आएगा 0/1 क्या हो जाता है 0, तो यहां पे क्या आ जाएगी वैल्यू 0। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, 10√30 चाहिए, तो क्या होता है ये साइन अपॉन कॉस, तो हम पहले क्या लिखेंगे साइन 30 लिखेंगे अपॉन कॉस 30, क्या होता है साइन 30 होता है 1/2,
अपॉन कॉस 30 क्या होता है, रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू, टू से टू कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, वन अपॉन रूट थ्री, यही इसकी वैल्यू है, वन अपॉन रूट थ्री। बस 10:45 करते हैं, क्या होता है, अब यहां पे ये देखिए, साइन 45 की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद कॉस 45 की वैल्यू रखेंगे, वन बाय रूट टू अपॉन वन बाय रूट टू, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आया, वन आया सिर्फ, तो 10:45 क्या हो गया, वन। अब क्या चाहिए, 10:60, 10:60 को इसी तरह से करेंगे, ये क्या होता है, रूट थ्री बाय टू अपॉन कॉस 60 क्या है, वन बाय टू, वन बाय टू, टू से टू कैंसिल, रूट थ्री बाय वन बचा, तो क्या आएगा, रूट थ्री, इसकी वैल्यू क्या हो गई, रूट थ्री, ठीक है। अब आगे चलते हैं 10:90, 10:90 के लिए साइन अपॉन कॉस क्या है, वन अपॉन जीरो रखना पड़ेगा, अब वन अपॉन जीरो रखेंगे, अगर नीचे जीरो है तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमें क्या चाहिए, कॉसेक जीरो, कॉसेक जीरो चाहिए ना, कॉसेक के लिए हम क्या करते हैं, इसको आप बिल्कुल अलग रखिए, ये कितना पार्ट, कॉसेक के लिए हम क्या करते हैं, वन अपॉन साइन करते हैं, मतलब कि साइन का उल्टा, जो भी साइन की वैल्यू होगी उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे कि आप मान लीजिए अगर वन बाय टू है तो क्या हो जाएगी, कॉसेक में जाके क्या हो जाएगी, टू बाय वन, इस तरह से, ठीक है। कॉसेक जीरो में बताना है ना, क्या करेंगे, वन अपॉन साइन करना है, वन अपॉन साइन मतलब वन अपॉन जीरो, अब ये जीरो क्यों, क्योंकि हमें कॉसेक जीरो की वैल्यू चाहिए, इसलिए साइन भी जीरो की ही वैल्यू लेंगे, साइन जीरो की ही वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। अब वन अपॉन जीरो मैंने बताया था अभी, अगर कहीं पे भी जीरो नीचे हो, डिनोमिनेटर में जीरो हो, तो क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 क्या करना है, वन अपॉन साइन करना है ना इसके लिए, तो क्या करेंगे, वन अपॉन ये क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, वन बाय टू, वन अपॉन वन बाय टू करिए, ये टू चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना आएगा, टू बाय वन, सिर्फ टू बचेगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। क्या है, कॉसेक 45, कॉसेक 45 क्या चाहिए हमें, वन बाय साइन, वन बाय साइन 45 की वैल्यू क्या है, वन बाय रूट टू, इसी की तरह से ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ रूट टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट टू, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसी तरह से कॉसेक 60 चाहिए हमें, कॉसेक 60 के लिए क्या चाहिए, वन बाय क्या करेंगे, रूट थ्री बाय टू, क्या चाहिए, वन बाय हमें चाहिए यहाँ पे, वन बाय साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाय, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉसेक 60 की, जिसके लिए हमें साइन को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, अब इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो आपको, जब हमें पता है कि हम वन बाय साइन कर रहे हैं, मतलब कि साइन का रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो रूट थ्री बाय टू की जगह आ जाएगा टू बाय रूट थ्री, टू बाय रूट थ्री, ठीक है। इसके बाद 90, कॉसेक 90 मतलब हमें क्या चाहिए, वन बाय, और साइन की वैल्यू क्या है, वन, तो वन बाय वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, हो गया पूरा। अब यहां आते हैं सेक में, सेक के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अभी मैंने यहां पे आपको बताया था, अभी मैंने बताया था आपको, सेक अगर हमें चाहिए तो क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक है, जो भी कॉस की वैल्यूज हैं उनका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये देखिए सेक जीरो, सेक जीरो, कॉस की वैल्यूज चेक करते हैं, वन का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन ही हो जाएगा, ठीक है। अब रूट थ्री बाय टू,
इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा √2। और अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप यहां पे देख लीजिए एक बार, 1/, क्या करना है, 1/√2। ये √2 हमारा जाएगा यहाँ ऊपर, ये क्या हो जाएगा √2/1, और फिर तो √2 ही आएगा। रेसिप्रोकल चाहिए ना कॉस का, तो इसका 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1। 2/1 को सॉल्व करके क्या आएगा, 2। इसके बाद 0, मतलब 1/ कॉस की वैल्यू क्या है, 0, कॉस 90 की 0। अब मैं बता चुकी हूँ 0 अगर नीचे है तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, तो ये आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेक भी कंप्लीट हो गया। लास्ट है हमारा कॉट, कॉट 0। कॉट के लिए क्या है, कॉस अपॉन साइन। कॉट की सारी वैल्यूज के लिए कॉस अपॉन साइन। तो क्या करेंगे अब, कॉट 0 देखना है तो 0 की वैल्यूज, 30 देखना है तो 30 की वैल्यूज, 45 के लिए, एंड सो ऑन। ठीक है, 1/0 करना है हमें, कॉट इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन होता है। अब कॉस और साइन 0, क्या आ जाएगा, अभी बता चुकी हूं यहां पे नॉट डिफाइंड, ये आ गया नॉट डिफाइंड। ओके, इसके बाद कॉस अपॉन साइन, मतलब √3/2, पहले कॉस की वैल्यू, इसके बाद साइन की वैल्यू, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 बचा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, √3, तो यहां पे आ जाएगा √3। अब आगे चलते हैं, कॉट 45, कॉस और साइन की वैल्यूज देखिए, पहले ऊपर क्या रखना है हमें, कॉस 1/√2 अपॉन साइन की वैल्यू क्या है, 1/√2, इस पूरे से ये कट गया, क्या आया, 1 आया सिर्फ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब कॉस की वैल्यू है 1/√2 अपॉन साइन की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 1/√3, ये आ गया यहां पे 1/√3। 0/1, 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0। यहां हो गई है हमारी पूरी टेबल कंप्लीट। अगर हमारे पास 1/0 है, अगर 0 हमारा डिनोमिनेटर में है तो क्या आता है, अगर 0 डिनोमिनेटर में है तो नॉट डिफाइंड होगा, और अगर 0 न्यूमरेटर में है तो 0 ही आएगा, ये आपको याद रखना है। अब ये पूरी टेबल कंप्लीट है, आपको इसको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको साइन और कॉस लर्न करना पड़ेगा। अब आपने खुद ही देख लिया है सारी, ये 10 से लेके पूरा यहां से लेके पूरा यहां तक इतनी टेबल, ये सिर्फ साइन और कॉस पे ही डिपेंड है। तो आपको ये साइन और कॉस याद करना है सिर्फ, उसके बाद आप पूरी टेबल अपने आप बना सकते हो। एग्जाम में भी आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप वहां पे पहले पूरी टेबल बनाने बैठो। जिस तरह से मैंने ये टेबल लर्न करनी बताई है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे और लोग भी इस चीज को सीख सकें। थैंक यू।